Here's the 30 second lesson on what legends know. Never practice nunchucks in a crowded room. Never eat chole before a road trip. Always take your shirt off before you iron it. Don't take a call near a swimming pool. And don't forget, saving is not investing. Legends don't just save; they invest in mutual funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार दोपहर में आपका स्वागत है मैं पूर्वा मंधानी मेरे साथ है हमारे पॉलिटिकल एडिटर डीके सिंह और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हैं हमारा ये साप्ताहिक शो लेकर जिसका नाम है हेडलाइंस के पीछे डीके के साथ आ, अब शो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि पिछले आ, दो दो एपिसोड एक से एपिसोड एक, एक एपिसोड में नहीं आ पाई थी आप सभी के सामने मैं यूपी में थी इलेक्शन कवरेज के लिए लेकिन मेरी सहकर्मी नीलम पांडे ने बहुत ही अच्छा इस शो को संभाला सो आई एम श्योर दैट वाज फाइन टू चलिए ठीक है फिर शो की शुरुआत करें हाँ, uh, पहला सवाल जो आया है इनका यूजर नेम है हंड्रेड मुक्ता ये पूछ रही है कि सूरत में भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार को विजेता कैसे घोषित किया गया नोटा विकल्प के बारे में क्या ये देखने के लिए अभी भी चुनाव कराए जाने की जरूरत है ना कि सूरत में नोटा जीतता है या बीजेपी जीतती है नहीं इसका ऐसा है नहीं कि नोटर के लिए चुनाव तो नहीं होगा चुनाव सेटल हो गया वो एम पी बन गया उसके लिए वहां जो हुआ देखिए नीलेश कुंभनी जो कांग्रेस के कैंडिडेट है तो फा, जब नॉमिनेशन फॉर्म आप जब फाइल करने जाते हो तो आपको प्रोपोजल्स की जरूरत होती है जेनली पार्टी कहते हैं कि आपका कैंडिडेट ऑफिशियल एक डमी कैंडिडेट भी लगाते हैं कि अगर कुछ नॉमिनेशन में गड़बड़ हुआ तो वो ले लेगा तो पार्टी ही करती है कांग्रेस की तरफ से नीलेश कुंभनी थे उनका एक डमी कैंडिडेट भी था वहां पे क्या होगा अच्छा कांग्रेस कैंडिडेट ने आ, जो प्रपोजल इनके थे इन दोनों को मिला के और कांग्रेस कैंडिडेट के प्रोपोजल थे इनके भतीजे थे इनके ब्रदर इन लॉ थे इनके बिजनेस बिजनेस पार्टनर थे तो ऐसा नहीं था कि वो लोग बाहर से आए थे सब इनके अपने ही थे जब इन्होंने फाइल कर दिया वो सब लास्ट डेट और निकल गया उसके बाद ये लोग गए कंप्लेन करने के लिए कि इनका सिग्नेचर फोर्ज है उन्होंने एफिडेविट में लिख के दिया प्रोपोजल्स ने कि मेरा हम लोगों का सिग्नेचर फोर्ज है तो नेचुरली फिर उनको बुलाया गया कांग्रेस के कैंडिडेट को एक्सप्लेन कीजिए क्या हुआ लेकिन कढ़ ही नहीं पाया प्रोपोजल ही नहीं मिला इनको उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि हमारा सिग्नेचर ही नहीं है नॉमिनेशन फॉर्म पे जिसमें प्रोपोजल का होता जी, है जी। और उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि उसके बाद जो कांग्रेस के कैंडिडेट है नीलेष वो गायब हो गए अब तक पता नहीं चला है वो कहा है मतलब आके उन्होंने कहा नहीं है और आज शुक्रवार को जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज थोड़ी देर पहले गुजरात कांग्रेस ने उनको सस्पेंड कर दिया है कि आपने बीजेपी से मिल मिला के ये खेल किया जी तो पहले जो लग रहा था कि बीजेपी ने किया या कोई कॉन्स्पिर थ्योरी की नहीं ये सिग्नेचर वैसे ही यू नो रिटर्निंग ऑफिसर ने गड़बड़ कर लिया होगा जान बुझ के लेकिन ये कांग्रेस के कैंडिडेट का अपना खेल था यह अब तक वो बाहर नहीं निकले हैं बोले नहीं हैं लेकिन अब के लिए पार्टी ने भी सस्पेंड कर दिया पार्टी ने सस्पेंशन में कहा है कि आपको इन कम्युनिकार्डो हो गए आपसे कोई आपको पहुंच ही नहीं पा हम लोग पा रहे हैं जी जी तो पूरा गेम था बाकी उसके बाद देखा आपने कि फिर डमी कैंडिडेट का भी उसी बेसिस पे हुआ कि सिग्नेचर फोर्ज है हुँ. अच्छा सिग्नेचर फोर्ज अगर होता कि चलो अपने बाहर से किसी को लाया हो तो चलिए उसको बीजेपी ने बात कर लिया लेकिन आपके फैमिली के लोग हैं आपके बिजनेस पार्टनर हैं अगर वो सिग्नेचर कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि फोर्ज है तो बिना आपकी जानकारी तो नहीं होगा ना तो शुरू से ही गेम क्लियर था फिर बाकी आठ और कैंडिडेट उन्होंने विद्रॉ कर लिया तो बीजेपी का अनकंटेस्टेड उनके चुनाव हो गए तो बात बसके लिए यही है हाँ इसमें है कि अब जनता अब इसमें आप कहेंगे कि फिर जनता के अधिकारों का क्या होगा वोटर के अधिकारों का क्या होगा उन्होंने वोट दिया ही नहीं अचानक इलेक्ट हो गए तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को उसके इसका इसका थोड़ा सा यही तो होगा गुस्सा और क्षोभ जो भी हो अनलेस जो उस पार्टी के हों बाकी लोगों को कि बिना हमारे वोट के कोई एमपी हो जाए तो बुरा तो लगता है लेकिन अब क्या करेंगे जब आपके अपोजिशन के कैंडिडेट भी इस तरह से हो जाए कि मतलब विड्रॉ ही कर जाए या मिल जाए

अब आप आपने सुना है कि अब मोदी जी बोल रहे हैं घूम के कि आपको सोना ले जाएंगे आपका मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेंगे आपका एक घर जयपुर में होगा एक घर यहाँ गांव में होगा तो उसमें से एक घर ले लेंगे अब हर एक पार्टी जैसी कहती रहती है कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जी सारा शुरू हुआ आ, मुद्दा शुरू उसका एक बैकग्राउंड है जो राहुल गांधी ने कहा था मैं पहले उस पर बाद में आऊँगा शुरू हुआ मुद्दा जब इनके सैम पिट्रोदा हैं जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस को हेड करते हैं सैम पिट्रोदा ने एक इंटरव्यू में कहा कि भाई यूएस में इनहेरिटेंस टैक्स होता है तो हमें इंडिया में भी जो है कम से कम डिस्कस करना चाहिए सोचना चाहिए जो कि बाद में वो कह रहे हैं कि हमारी बातों को तोड़ तोड़ मोड़ के पेश किया गया अब यूएस को देखेंगे देखिए वहाँ इनहेरिटेंस टैक्स दू, दूसरा है वहाँ दो तरह का चीज़ है एक, एक स्टेट ड्यूटी स्टेट टैक्स है दूसरा इनहेरिटेंस टैक्स है इनहेरिटेंस टैक्स वहाँ यूएस में केवल छः स्टेट्स में है स्टेट टैक्स फेडरल है लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग उसका है कि उसमें देखेंगे कि आ, जैसे 2024 में जो लिमिट है कि अगर आपके पास 13.6 मिलियन डॉलर्स से ज्यादा है मतलब अगर किसी का डेथ हो जाए डेथ के बाद अगर 13.61 मिलियन के डॉलर से ज्यादा की प्रॉपर्टी है या जो भी एसेट्स हैं तो उस पर स्टेट टैक्स लगता है अच्छा अब डिपेंड करता है कि उससे ज्यादा आपके पास दस हजार डॉलर ज्यादा है एक लाख डॉलर ज्यादा है बीस भी, बीस लाख डॉलर ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली उसका टैक्स लगता रहता है अट्ठारह परसेंट से मतलब चालीस परसेंट तक जो थर्टीन पॉइंट सिक्स वन मिलियन डॉलर के ऊपर का जो होगा उस पर अप टू फोर्टी परसेंट तक का उनका स्टेट टैक्स लगता जी, है जी। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ की वो इनहेरिटेंस टैक्स भी लगाते हैं तो उसमें है कि जब स्टेट टैक्स होता है जैसे कि किसी का डेथ हो गया तो उसका जो स्टेट बचा जिसका एसेट्स बचा उससे सरकार ले लेगी इतना अपना टैक्स इनहेरिटेंस टैक्स क्या है कि जैसे मैंने किसी के किसी का डेथ हुआ मैंने इनहेरिट किया उसकी प्रॉपर्टी तो मैं उस पर टैक्स दूंगा हुँ. तो स्टेट्स में इनहेरिटेंस टैक्स है वो भी छह ही स्टेट्स में अमेरिका में फेडरल जी, जी. एक स्टेट टैक्स है और ये स्टेट्स में जो इनहेरिटेंस टैक्स है उसमें मेरे ख्याल से मैरीलैंड या कहां पे है उसमें एक स्टेट है जहां दोनों है अच्छा स्टेट टैक्स भी है इनहेरिटेंस टैक्स भी है हुँ. तो मतलब जिस किसी का डेथ हुआ उसमें तो सरकार ने ले ही लिया प्लस जिसको मिला प्रॉपर्टी उसको भी थोड़ा देना पड़ता है तो वो करीब एक से बीस परसेंट तक का इन्हेरिटेंस टैक्स चलता है उसकी बात कर रहे थे सैम पी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हमारे कॉलीग हैं शरद राघवन उन्होंने एक इस पर आर्टिकल लिखा है द प्रिंट में उसको पढ़ेंगे आप काफी इन्फॉर्मेटिव है वहाँ वो बताते हैं कि हमारे यहाँ इनहेरिटेंस टैक्स तो नहीं था स्टेट टैक्स शुरू किया नेहरू ने जब वो पी एम थे फिफ्टी फाइव के बजट में इसका प्रोविजन हुआ उस समय था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी एक लाख से ज्यादा की हो मतलब आपकी जिसका डेथ हुआ हो उसकी अगर प्रॉपर्टी एक लाख से ज्यादा की हो डेढ़ लाख से कम की हो हुँ. तो सेवन पॉइंट फाइव परसेंट स्टेट टैक्स लगता है अच्छा मतलब तो एक डेढ़ लाख के नीचे का उसके बाद आगे आगे अलग अलग है उस पर तो वो होते होते बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कुछ समय बाद तक कि अगर बीस लाख से ज्यादा की हो तो चालीस परसेंट लगा टैक्स अच्छा और अगर वो एसेट्स जो है स्टेट जो आपका है वो अगर एक समय तो ऐसा था कि पचासी परसेंट तक टैक्स हो गया कि इस लिमिट के आगे जो तो इतना टैक्स लगेगा जो कि राजीव गांधी गवर्नमेंट ने फाइनली एट्टी फाइव में उसको खत्म किया तो वो था स्टेट टैक्स उसके बाद गिफ्ट टैक्स भी बीच में लगाया था नेहरू जी ने तो जिसकी उन्होंने खुद ही बात की जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे फिफ्टी में तब तो उन्होंने खुद ही गिफ्ट टैक्स की बात की थी लेकिन वो इतना यूजलेस यूजलेसा राजीव गांधी ने खत्म क्यों किया उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे उन्होंने जो बयान है वहां पे कि देखिए हम इतना कुछ करते हैं और हमें केवल 20 करोड़ ही मिला है स्टेट टैक्स में अब बीस करोड़ तो आपका टैक्स कलेक्शन हुआ इसके पीछे सारा का सारा आपका महकमा लगा हुआ है उसको सुनने में इतना प्रॉब्लम अच्छा बीस करोड़ अगर पचासी की बात करें तो अभी के हिसाब से करेंगे इसमें हमारे एडिटरी चीफ शेखर गुप्ता ने कड्ड कलेटर किया परसों उसको आप लोग देखें उसमें काफी डिटेल में बताया है कि अब जैसे अभी के कॉन्टेक्स में देखेंगे तो अभी बीस करोड़ उस समय होगा तो अभी क्या होगा दो करोड़ होगा अब वो दो करोड़ वसूलने के लिए आपने पूरा का पूरा कितना फैला कर रखा है टेर फैला कर रखा हुआ है तो राजीव गांधी का मैंने खत्म कर दिया बाद में शेखर गुप्ता जी के शो में आप देखेंगे कि फिर यशवंत सिन्हा जब आए तो उन्होंने भी उसके बाद गिफ्ट टैक्स भी वो सब खत्म हो गया था तो ये तो बैकग्राउंड रहा ये अभी जो लेटेस्ट हुआ है उसमें देखिए सैम पिटोड्रा का जो बयान इसको सरकार इस तरह से करने में मतलब रूलिंग पार्टी इस तरह से सक्सेसफुली कर गई काफी बज हो गया इसलिए कि अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि इसके पहले राहुल गांधी क्या कहते हैं कि पहले हम कास्ट कास्ट सेंसस करेंगे उसके बाद हम इकोनॉमिक मैपिंग करेंगे मैनिफेस्टो में नहीं है लेकिन वो बयान देते रहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे इकोनॉमिक मैपिंग करेंगे उससे पता करने के लिए कि किसके पास कितना वेल्थ है जी और उसके बाद हम कोई क्रांतिकारी कदम लेंगे तो इस तरह की जो बातें होने लगी ना वो कभी कहते नहीं है क्या होगा उन्होंने कभी वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन या सारा वेल्थ को सब में बांट देने की बात नहीं की है कांग्रेस ने ना, ना राहुल गांधी ने की है ना मैनिफेस्टो में कहीं ऐसा लिखा हुआ लेकिन इस तरह की बातें जो आने लगी ना कि इकोनॉमिक मैपिंग करेंगे हम इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे किसके पास क्या है तो उससे लोगों में एक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होता है कि कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं उसके बाद से मैं सैम पीटोडा जो कि राहुल गांधी के बहुत ही क्लोज एडवाइजर है एक्चुअली राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं ये यूएस जाते हैं तो सैम पेट्रोटल उनका बहुत सारा कुछ देखते हैं वो अच्छा। तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ भी है काफी क्लोज रहे हैं आपको याद ही होगा कि उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ भी काम किया राजीव गांधी के तो काफी खास थे राहुल गांधी के भी काफी क्लोजली फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं वो मतलब उनके साथ काम करते हैं तो उन्होंने जब इनहेरिटेंस टैक्स का मुद्दा लिया अब उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम लागू करेंगे उन्होंने कहा था यूएस में है तो इंडिया में भी शायद डिस्कस करने की जरूरत है इन चीजों को लेकिन बस दो दो और दो जोड़ने में तो दूसरी पार्टी को टाइम नहीं लगता है जी राहुल गांधी का पहले का बयान शैम पीटोडा का हो गया लेकिन इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते देखिए पॉलिटिक्स में यही होता है अगर आप इस तरह का वेग बात करेंगे क्लियर नहीं कहेंगे कभी कुछ बोल दिए कभी कुछ बोल दिए तो आपके अपोजिशन में जो पार्टी रहेगी उसको मौका मिलेगा उसको बढ़ा चढ़ा के कहने का कुछ मिर्च मसाला लगा के कुछ नई चीजें कहने का जी. तो वही अभी हो रहा है और ये बीजेपी के लिए काम करता है बिकॉज लोगों में है काफी क्यूरियोसिटी है घड़ी कांग्रेस तो नहीं करने वाली है जी जी अब कांग्रेस मना करते रह गई है कि हम नहीं कह रहे हैं लेकिन लोग बात किए जा रहे हैं पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है बिल्कुल डीके ने जो शरद और शेखर के आर्टिकल्स और वीडियोस की बात की उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो आप वो भी ज़रूर देखें आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि हम जो सवाल इसमें लेते हैं वो टाइम टाइम्स के साथ वो सवाल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगे होते हैं ताकि आप उन सवालों के हिसाब से भी अगर देखना चाहें शो को तो देख सकते हैं Uh, देखिए अगला सवाल शिल्पा का आ रहा है वो पूछ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने पीएम मोदी या राहुल गांधी को नोटिस ना देकर पार्टियों को नोटिस भेजा है क्या यूजली ऐसा ही होता है है अगर तो इलेक्शन कमीशन की इतनी निंदा क्यों हो रही देखिए ये पहली बार इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कभी नहीं किया जिसकी हुँ. गलती होती है कोई नेता कभी कुछ बोलता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अगर वायोलेशन होता है हुँ. तो इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट उसको नोटिस देते हैं इस बार क्या हुआ जो मोदी जी के कुछ बयान जो है उस केस में आ, उसको लेके कई कंप्लेन इलेक्शन कमीशन के पास तो इलेक्शन कमीशन ने किया उनका भी बयान ले लिया और राहुल गांधी के खिलाफ वाला भी कंप्लेन ले लिया साथ में और दोनों को लेके और इन्होंने लिख दिया जेपी नड्डा को और मल्लिकार्जुन खड़गे को जो बीजेपी और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तो भाई आप इस पर अपना कमेंट दीजिए उनको नोटिस दे दिया आप अपना कमेंट दीजिए फिर उसमें आप इलेक्शन कमीशन का जिनका नोटिस उनको पढ़िएगा वो इलेक्शन कमीशन कह रही है कि स्टेक होल्डर जो है किसी भी इलेक्शन में किसी भी कंट्री uh, में अब पोलिटिकल पार्टी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर होती है हुँ. तो हम चाहते हैं कि अब पार्टी जो है उसकी प्राइमरी और इनक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बने जी कि आपका लीडर आपका स्टार कैंपेनर हो हुँ. या आपका कैंडिडेट हो उसका कंडक्ट कैसा हो कैसे बिहेव कर रहे पार्टी इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अब देखिए इसमें दो चीजें हैं एक तो ठीक है ये पहली बार इसी ने कहा पहला बार तो मुद्दा आता है कि भाई किसी कैंडिडेट ने किया तो आपको पार्टी से वो क्या लगता है कि क्या नड्डा जी जाके मोदी जी को पुल्लभ करेंगे कि भाई आप क्यों कर रहे हो मत करो हुँ. या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जाके राहुल गांधी को बोलेंगे कि मत करो ये तो वैसे कहने वाली बात होगी बात है कि नोटिस आपको देने में प्रॉब्लम क्या है राहुल गांधी को कई बार नोटिस दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन पहले मोदी जी को आज कोई नोटिस नहीं गया था तो अब जो नोटिस गया है सीधे पार्टी को गया है अभी प्राइम मिनिस्टर के लोग नहीं दे रहे हैं कंप्लेन आते रह गए आपको सही भी याद होगा छत्तीसगढ़ इलेक्शन के समय में जी। जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन चल रहे थे उस समय भी मोदी जी ने छत्तीसगढ़ से अनाउंस कर दिया था कि फ्री फूड ग्रेन्स पूरे कंट्री में रहेगा अगला पांच साल तक जहां के स्टेट कैंपेनिंग में बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ में फिर भी कंप्लेन हुआ आपने कुछ सुना नहीं ना जी कंप्लेन होते रहते हैं इलेक्शन कमीशन कुछ करते नहीं इसमें फिर से कई कंप्लेन हो गए तो एक नया इन्होंने तरीका निकाला कि भाई पार्टी के प्रेसिडेंट आप बताओ कि इस पे आपका क्या कहना है डायरेक्ट इसको नोटिस नहीं दे रहे हैं जिसके खिलाफ है राहुल गांधी के खिलाफ है कंप्लेंट उनको नोटिस नहीं दिया इस बार नहीं दिया जी. उनका क्लब लिया मोदी जी से ठीक है दोनों को एक ही साथ ट्रीट किया है तो क्रिटिसिजम इस कारण हो रहा है अभी की ये डबल स्टैंडर्ड क्यों जी जी आ, अगला सवाल विप्लव आगा का है हमारे मेंबर हैं बोल रहे मोदी जी की जीत की सभी उम्मीदों को देखते हुए भाजपा ने सबका साथ सबका विश्वास को क्यों छोड़ दिया और अनावश्यक रूप से मुसलमानों को निशाना क्यों बना रही है मुसलमानों को टारगेट किए बिना वेल्थ सर्वे और रीडिस्ट्रीब्यूशन के विचारों पर बुरी तरह से हमला कर सकते थे क्या ये उन कुछ सीटों पर किसी पर्टिकुलर परसेंटेज एडवांटेज के लिए था जिन्हें वे टारगेट कर रहे थे क्या इससे उनकी पासमंदा मुस्लिम पहुंच को नुकसान नहीं पहुंचेगा देखिए हर एक इलेक्शन में थोड़ा सा इस तरह का बीजेपी का पुराना रहा है और करते ही रहे हैं थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा बहुत ज्यादा अचानक हो गया शिफ्ट कर गए वो तो जैसे अगर इसको इस तरह से देखिए कि जब राम मंदिर का हुआ था अपने सेरेमनी जो हुआ रामला उसके बाद से उस समय के बाद से बीजेपी का रहा कि हिंदुओं के साथ जो एक हिस्टोरिकल रॉन्ग हुआ था, था वो ठीक हो गया तो एक सिविलाइजेशनल एक जो बोना था उसका एक हमने सही कर दिया वो ट्राइम नहीं था वो बेसिकली हिंदुओं का एक सेंचुरी से रहा है कि उसका गलत हुआ वो ठीक कर दिया गया उस पर चल रहा था तो उसके बाद देख रहे हैं कि इतने नए नए मुद्दे ला रही है बीजेपी मैं भी थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ मैं मैं एक्चुअली भाजपा नेताओं से मैं पूछने की कोशिश करता हूँ कि आपका क्या एक्सप्लेनेशन है तो है तो जो जनता में जो चलता है वो चल रहा है लेकिन बीजेपी का दिया खास कर प्राइम मिनिस्टर अगर इस तरह का चेंज करते हैं ट्रैक तो वो वैसे ही नहीं होता है कहीं ना कहीं कुछ फीडबैक होता है कोई सर्वे बेस्ड होता है कुछ होता है कि भाई ये मुद्दा नहीं चल रहा है तो ये मुद्दा चलाएंगे और जो पहले ही मैंने कहा कि भाजपा में ये है कि बड़ा वो रिस्पॉन्स उनका बड़ा क्विक होता है सर्वे करते रहते हैं जहां पता चला ये नहीं चल रहा है इस परसिव ये नहीं चल रहा है इस पर चला जाओ तो ये ये फिर से शिफ्ट हुआ है ये कहीं ना कहीं से उनके पास कुछ फीडबैक आया होगा कि कौन सा मुद्दा चलेगा, कौन सा सा मुद्दा मुद्दा चलेगा नहीं चलेगा जी अगला सवाल कार्तिक पराशर का किशोर से, की के टीम से बात हुई नहीं इस चुनाव में एकदम ही एक्टिव नहीं है अच्छा वो लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं असेंबली इलेक्शन का उसमें पूरा जोर शोर से घुसेंगे वो और लोकसभा में उनका कोई तैयारी नहीं है जहां तक बिहार में कम मतदान की बात है हाँ बिहार में एक्चुअली पूरी कंट्री में फर्स्ट फेज की बात करें तो बिहार में काफ़ी करीब अड़तालीस प्रतिशत के आसपास मतदान हुआ है सबसे कम है उस तरह, उस हिसाब तरह से कंट्री में अब इसमें देखिए कई कॉन्स्ट्रेसी थ्योरी आ गए मतलब पहला फेज में जो हुआ सो जो टर्नआउट हुआ वोटर टर्नआउट वो करीब सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर परसेंट के आसपास रहा 2019 में फर्स्ट फेज में हुआ था करीब सिक्सटी नाइन पॉइंट सम परसेंटेज तो पाँच छः परसेंटेज कम रहा तो नेचुरली लोगों को जो वो लोग खास करके वो लोग जिनको लगता है कि जो दूसरे साइड में है जैसे एक आपका रूलिंग साइड हुआ एक दूसरा साइड हुआ उनको लगता है अच्छा कम हो रहा है इसका मतलब लोग मोदी जी के पास नहीं जा रहे हैं मतलब इंथुजियाजम वो नहीं है बिकॉज दो में इतना इंथुजियाज्म था चौदह में इतना था शायद कम हो गया है लेकिन कम मतदान से एक्चुअली आपको रिजल्ट उस तरह से दिखेगा नहीं मतलब ऐसा कोई ट्रेंड है नहीं मतलब हमने डेटा एनालिसिस पहले भी काफी कुछ किया है कोई जरूरी नहीं है कि कम मतदान हुआ तो जनरली कहा जाता है कि जब कम मतदान का मतलब प्रो इनकम्बेंसी है कि लोग बदलना नहीं चाहते लोगों को बदलना होता है तो बहुत ज्यादा मतदान करता है फिर दूसरा उसका नए नए थ्योरी रहते हैं नया फिर यह है कि इस बार जो कहा जा रहा है कि कम मतदान हुआ इसका मतलब मोदी जी के वोटर्स नहीं निकले लेकिन ये सारा जो है ना जब तथ्यों पे देखेंगे आप डेटा से मैच करेंगे तो ऐसे होता नहीं जैसे, इसका अभी जैसे कारण देख लीजिए बिहार की बात कर रहे हैं काफी गर्मी है वहां भी पिछला इलेक्शन देखें 2019 का तो 18 अप्रैल तक 18 अप्रैल तक दो फेजेज हो चुके थे और यहां तो फर्स्ट फेज उन्नीस अप्रैल को हुआ है थोड़ा सा लेट से इस बार हुआ तो गर्मी देखें कितना है एक वो कारण होगा दूसरा जो दोनों पार्टी में जिसमें मैं भी पक्का नहीं कह सकता इसको कैसे आप इंटरप्रेट करोगे अब जो एंटी बीजेपी है उनका कहना है कि भाई मोदी जी के वोटर नहीं निकल रहे हैं उनमें थोड़ा सा यह है और हो सकता है कि चार सौ पार के कि इतना कुछ कर दिया हो जी कि उनके वर्कर भी बैठ गए कि हम जीत ही रहे हैं तो क्यों जाना दूसरा साइड क्या सोचता है यह भी पॉसिबिलिटी है कि अब यह भी हो सकता है कि जब दूसरा साइड है उसको लगता है कि जब हार ही रहे हैं तो क्यों जाना आप तो स्पेकुलेट ही कर रहे हैं ना अब जाके आप सब वोटर से तो पूछेंगे नहीं सारे टू परसेंट आपने क्यों बाकी जो थर्टी एट परसेंट देखिए आप क्यों नहीं गए मतलब ये भी हो सकता है कि नहीं निकले इधर से भी नहीं निकले होंगे उधर से भी नहीं निकले होंगे कुछ भी हो सकता है हुँ. उसमें एक नया एक थ्योरी चल रहा है अभी पोलिटिकल सर्कल्स में कि देखो मोदी जी इतना ज्यादा जो मतलब एंटी मुस्लिम बोलने लगे हैं वो शायद इसलिए क्योंकि पहले फेज में उनका अच्छा नहीं हुआ इसलिए इतना कुछ चेंज कर रहे हैं लेकिन ये बस स्पेकुलेशन है कॉन्स्पिट्यूसी थ्योरी है बिकॉज ऐसा किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है जी जी क्योंकि पहले भी जैसा मैंने कहा पहले भी बोलते रहे हैं वो इनफैक्ट पहला फेज के पहले भी आप देखें तो मोदी जी बात कर रहे थे आ, कैसे मुगलों ने आके मंदिर तोड़ दिया हुँ. और कुछ लोग जो है सो मटन खा रहे हैं आ, सावन में हु. फिर वो कह रहे थे कि मुस्लिम लीग की तरह कांग्रेस का मैनिफेस्टो है तो पहला फेज के पहले भी था तो इसीलिए वो कॉन्स्पिरेसी की पहले फर्स के बाद कहना शुरू हो गया मतलब कुछ गड़बड़ हुआ उसमें भी उतना उतना जान नहीं है तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि कम मतदान ज़्यादा मतदान अगर डेटा पास डेटा देखेंगे हिस्टोरिकल डेटा तो कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है कि कम का मतलब कि शायद सरकार आ जाए ज़्यादा का मतलब सरकार पलट गई या फिर दूसरी तरह से उल्टा है इसका ऐसा कुछ पक्का ट्रेंड नहीं रहा है हिस्टोरिकली अगला सवाल संकल्प का है, हमारे मेंबर हैं पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि ये भाजपा के ग्राउंड वर्कर्स वर्सेस कांग्रेस के सोशल मीडिया योद्धाओं के बीच लड़ाई है हिंदी हार्टलैंड में असंतुलन का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने ऑर्गेनाइजेशनली क्या किया है देखिए दो शब्द में कुछ नहीं मैं आपको बताऊ दो में आ, उस समय तो राहुल गांधी ऐसे ऐसे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बने थे इंचार्ज ऑफ यूथ कांग्रेस और एन एस 2012 जो चुनाव हुआ अच्छा साथ में एक्टिव होना शुरू करता सात का जो असेंबली इलेक्शन हुआ तो उस समय होता था वो इंटरव्यू करते थे सारे कैंडिडेट का अब जो कैंडिडेट है तुमको कांग्रेस का टिकट चाहिए असेंबली का तो उसको बैठा था इंटरव्यू होता था अच्छा भाई अच्छा। तुम्हारे यहां कितने गैस कनेक्शन है तुम्हारे कौन कॉन्स्टिट्य बताओ कितने जो इलेक्ट्रिस कितना है बताओ बेचारे कैंडिडेट सब भी की आइडिया था कि यार तुमको जब इतना नहीं पता हुआ कॉन्स्टिट्यूंसी का तुम टिकट कैसे मांग रहे हो ऐसे ऐसे शुरू किया तो मुझे याद है फिर 2009 में आपने देखा कांग्रेस को अचानक इक्कीस सीट आ गई यूपी में तो लगा कि इसका इम्पैक्ट पूरा हो रहा है फिर दो में डिमोलिश हो गया कांग्रेस का कुछ निकला नहीं उसमें तो उस समय मुझे याद है मैं एक्चुअली गया हुआ था चुनाव का रिजल्ट निकला था मैं कांग्रेस ऑफिस गया हुआ था इनसे देखने के लिए अच्छा। कि क्या रिएक्शन है और उस समय मुझे याद है अचानक राहुल गांधी सारे कैमरा लगे हुए हैं वो आए बोले कि अगली बार आपको हम दिखा देंगे हम कितना अगली बार चकित हो जाओगे मैंने क्या किया है ऑर्गेनाइजेशन का मैं इतना कुछ कर दूंगा कि आप देखते रह जाओगे बस देखो कह के वो चले गए फिर हम वेट करते भाई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा क्या होगा दो हज़ार हो गया कुछ नहीं हुआ बाईस हो गया कुछ नहीं हुआ लोकसभा की बात छोड़ ही दो तो कुछ भी नहीं ऑर्गेनाइजेशनल यही कांग्रेस का मेजर प्रॉब्लम है कि नॉर्थ इंडिया में ऑर्गेनाइजनली कुछ कर ही नहीं इन्होंने छोड़ दिया है तो ऐसा कुछ भी मतलब वो जो पूछ रहे हैं संकल्प एटलीस्ट मेरे नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे

देखिए सोनम की बात करें तो एक बात तो है कि कम से कम लेह में वो काफी पॉपुलर है स्पेशली यंगस्टर्स में कारगिल जी का बात नहीं करूंगा लेह में काफी पॉपुलर है वो खड़े होंगे नहीं होंगे उसको उसके बारे में मैं नहीं कह सकता जी। जहां तक भाजपा सांसद को हटाने की बात है नामग्याल उन्होंने उनका मैं कुछ इंटरव्यू पढ़ रहा था विचल को हमारी तो बात नहीं हुई अभी तक लेकिन उनका जो इंटरव्यू है वो कह रहे हैं कि हम तो हम एंटी इनगम्बेंसी हमारे कुछ हमारे खिलाफ कुछ थे ही नहीं मेरे खिलाफ साजिश हुई है टॉप लीडर्स को पता नहीं क्या हो रहा है और किसने क्या फीडबैक दिया हमें पता नहीं साजिद से हमारे पास पूरा सपोर्ट था हमने पार्टी को बिल्ड किया देखो हमें टिकट नहीं दिया तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने समर्थकों से बात करूंगा और फिर डिसाइड करूंगा क्या करो करूं। जी अब क्या करने वाले हैं वो हमें का पता नहीं लेकिन ताशी जिसको बीजेपी ने दिया है जिसको टिकट वो भी काफी डायनेमिक माने जाते हैं लॉयर रहे हैं कौन से चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर वहां पे रहे हैं

मैं अपना फीडबैक के लिए दे मैं आपको नहीं बता सकता कौन जीते या कौन हार पता भी नहीं है फ्रैंकली मतलब हमको पता नहीं चलता हम कितने लोगों से बात कर पाएंगे मैं भी एक सप्ताह रह के आया हूँ तमिलनाडु केरला में कितने लोगों से बात कर पाऊंगा मैं हर एक रीजन अलग होता है हर एक लोग अलग होते हैं उनके अपने अपने चॉइस होते तो जर्नलिस्ट के लिए ये सब कहना बहुत मुश्किल होता है अनलेस की वेव चल रहा हो दो हजार चौदह में आप कहीं जाते थे तो आप दस लोगों से मिलेंगे तो उसमें आठ नौ बोलते थे कि मोदी 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 तो आपको वेव दिखता है दो हजार उन्नीस से वेव दिखता था अभी वेव आपको नहीं दिखता लेकिन ये जो है कि इसको पलट ही जो हमको अपोजिशन के इस नेता को लाना है वो भी नहीं दिख रहा है तो हम लोगों के लिए कुछ कहना बहुत प्रेडिक्ट करना मुश्किल भी हो रहा है किधर कि ये कि लोग पलटना चाह रहे हैं सत्ता नई लोग नए सरकार ला रहे हैं अब इसका भी ऐसा भी कोई एंटी इनकम्बेंसी का वेव नहीं चल रहा है जी जी लेकिन जो पहले आपने 2014 और 2019 में देखा वो भी उतना नहीं है ग्राउंड पे तो यह अलग अलग स्टेट में आप देख रहे हैं प्लस कई जितना आप इनफाइटिंग देख रहे हैं हर एक पार्टी में मतलब कई स्टेट्स में देखिए अब जैसे राजस्थान में अब पच्चीस का पच्चीस सीट अब दो बार से ले रहे हैं नेचुरली लोगों में थोड़ा सा एंटीन गवर्मेंट ही आता है कैंडिडेट के खिलाफ आता है प्लस आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया उससे दो चार सीट पर आपको डैमेज होने का संभावना होता है बिहार में देखेंगे जो इन्होंने बिहार में कम मतदान की बात की उसके पीछे मेरे ख्याल से थिंकिंग ये हुई कि अब नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में अब काफ़ी रिजेंटमेंट बिल्ड कर रहा है लोग थक गए हैं कि मतलब एक तो इधर से उधर जाते रहते हैं डेवलपमेंट का डेवलपमेंट की बात करनी उन्होंने बंद कर दिया तो वहां पे जहां पे जेडीयू सीट होगी जेडीयू के कैंडिडेट्स होंगे ट्रबल हो सकता है कि लोग शायद निकल के नहीं जाएं लोग उतना इंथोजेस्टिक नहीं दिखें तो हर एक स्टेट में थोड़ा थोड़ा इस तरह के इक्वेजन थोड़े हैं लेकिन दो चार पांच सीट यहाँ दो चार पांच सीट वहां अब इससे ओवरऑल क्या निकलेगा ये कहना मुश्किल है अब जैसे अब हमने पहले भी हमने बात की है जैसे कुछ है, स्टेट्स हैं महाराष्ट्र है बिहार है इसमें क्या रिजल्ट होता है उसका ओवरऑल पता चलेगा लेकिन बात यहाँ पे यह है कि तीन सौ तीन के पार या तीन सौ तीन के पहले मतलब मैं उसको इस तरह से देखता हूँ अगर इसके पीछे कितना आते हैं ये मुझे पता नहीं आगे कितना जाएंगे उसके लिए बट मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि जो वेव नहीं दिखता ना इधर का ना उधर का जी जी मेरे ये मेरा तो चलिए मैंने मैं साउथ इंडिया को मतलब था मेरे कॉलिग्स कोई टाइम आजकल इलेक्शन में हमारे 14 -15 से हमारे किसी ने किसी अगला सवाल इनका यूजर नेम है रूफ ये पूछ रहे है कि बीजेपी अपने बेहतरीन चुनाव अभियानों के लिए जानी जाती है लेकिन इस बार वे बेहद डेस्परेट और इनसिक्योर नजर आ रहे हैं क्या ये आने वाली चीजों का संकेत है देखिए इनसिक्योर है या स्ट्रेटजी है ये कहना मुश्किल होगा बिकॉज अब भाजपा नेताओं से बात करेंगे भाई इतना लोग में है डेस्परेट हैं क्या क्या बोल रहे हैं उसमें उनका ये भी है कि ये जो वर्कर्स में मैसेज चला गया ना जीत ही रहे हैं तो ऐसा ना हो घर बैठ जाए वो तो आप ये कह के कि उनको जो है सो इन्फ्यूज कर रहे हैं कि आप निकलो बिकॉज वही वर्कर्स फाइनली वोटर्स को लेके बूथ पे लाते हैं अब इनके सपोर्टर कहीं बैठ ना जाए जी जी तो बीजेपी के लोग ये करे हम अपने सपोर्टर्स को हम अपने वर्कर्स को चाहते हैं कि निकल के वोट करें तो आप जिसको कहते हो ये ये है बट ये बीजेपी के लोगों का कहना है फिर आप अपोजिशन के लोगों से बात करें उनका फिर दूसरा ही है कि भाई अगर इतने जीत ही रहे थे तो फिर अचानक किस बात का है जी, जी। तो अब इस पर मैं तो क्या है? इस पे व्यू लूंगा मैं बस इतना कह सकता हूं कि दो, दोनों तरफ के लोग बोल के आ रहे हैं इस बारे में देखिए आज का आखिरी सवाल लूंगी कार्तिक का सवाल है बोल रहे हैं कि कांग्रेस शरद पवार और उद्धव ठाकरे का समर्थन क्यों कर रही है क्या कांग्रेस इन गुटों का बचा हुआ नेतृत्व अपने हाथ में नहीं ले सकती और भाजपा का एकमात्र विकल्प नहीं बन सकती देखिए ये हो सकता था कुछ साल पहले अभी जो कांग्रेस की हालत है महाराष्ट्र में कोई नेता नहीं है मतलब सारे जितने आपके बड़े बड़े नेता थे सब शिफ्ट कर गए अब अशोक चौहान को सॉरी अशोक चौहान तो चले गए बीजेपी में अगर पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दें तो कोई ऐसा नेता नहीं पैन स्टेट को जानता भी हो जी। तो ऑरिजिनली जब ये हुआ कि ठीक है आज ना कल कभी ना कभी जब चलिए एनसीपी छूट के गई थी इनसे धीरे धीरे सपोर्ट भी ऐसे ले सकते हैं लेकिन अब उसका उल्टा और है अब है कि कांग्रेस लूज कर रही है कांग्रेस के कॉस्ट पे हो सकता है एनसीपी और शिवसेना को फायदा हो जाए अब देखिए मुंबई में मुंबई में ये कम से कम चार सीट लड़ते थे छ में से लोकसभा का ये इतने सरेंडर कर गए हैं केवल दो ही सीट इन्होंने लिया है मान गए हैं और कई दूसरी सीट है जिसपे की सेना अड़ गई एनसीपी शरद पवार एनसीपी वो अड़ गए तो इन्होंने सीट जाने दिया बिकॉज ये लड़ नहीं सकते इनके पास नेता नहीं है उस तक लोग नहीं है ना उसके उस तक रिसोर्सेज है फाइट कर पा रहे हैं तो ये कहना है कि कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं करती है कांग्रेस कर सकती थी लेकिन अभी की स्थिति में ये थोड़ा बात थोड़ी दूसरी तरह की गई है अब जी चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यही खत्म होता है आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद